हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप काफ़ी स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है और आपका लैपटॉप काफ़ी पुराना है, तो आपके लैपटॉप को नए थर्मल पेस्ट की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा लैपटॉप पीसी का थर्मल पेस्ट कैसे चेंज करते हैं खुद घर पर ही। और मैं यूज़ करने वाला हूँ कूल मास्टर का थर्मल पेस्ट, जो मैंने लिया है अमेज़ॉन से। आप कोई भी अच्छी कंपनी का थर्मल पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिला है। बॉक्स के अंदर मिलती हैं तीन चीज़ें। एक है थर्मल पेस्ट इंजेक्शन, स्पून टाइप का कुछ है थर्मल पेस्ट को अच्छे से लगाने के लिए। और ये है ग्रीस क्लीनर, मतलब पुराने थर्मल पेस्ट को क्लीन करने के लिए। ये सब मिलता है बॉक्स में। अब शुरू करते हैं अपने लैपटॉप को खोलना। बहुत ईजी है, आपको जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे आप करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले सारे स्क्रूज को खोल देंगे। मेरे लैपटॉप में 18 स्क्रूज हैं, आपके में कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब सबसे पहले सीडी ड्राइव को निकालेंगे। ये सीडी ड्राइव बाहर आ गया है और सीडी ड्राइव के नीचे तीन और स्क्रू हैं, उनको भी खोल लेंगे। स्क्रू खुल गए हैं। अब आपको देखना है आपके लैपटॉप में किस साइड कम पोर्ट हैं। जिस साइड कम पोर्ट हैं उस साइड से लैपटॉप को खोलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे लैपटॉप खुलने लगेगा। लैपटॉप थोड़ा सा खुल गया है। अब जिस साइड सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं उस साइड हल्का सा पुश करेंगे, जिससे आपके पोर्ट बैक कवर से निकल जाएं। कवर निकल गया है और बहुत आराम से कवर को ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगी स्पीकर की वायर, जिससे आपको निकाल देना है। ये बैक कवर निकल गया है। और सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन को हटा देंगे। और ये है हीट सिंक, जो फ़ैन के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले फ़ैन को निकालेंगे और फ़ैन के कनेक्शन को भी हटा देंगे। ये फ़ैन निकल गया है और जैसे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है, जो आपको साफ़ करनी पड़ेगी। अब हल्की हल्की डस्टिंग करेंगे। अब हीट सिंक को भी निकाल लेंगे। हीट सिंक निकल गया है, इसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये है CPU और GPU। मेरे लैपटॉप में दोनों साथ में ही हैं, आपके में आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पुराना थर्मल पेस्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, काफ़ी ड्राई हो चुका है। हम इसको ही चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हम फ़ैन और हीट सिंक को क्लीन करेंगे। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप टूथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट सिंक की जाली को आप वैक्यूम से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो आप मुंह से बाहर की तरफ हवा मारकर भी साफ कर सकते हैं। अब क्लीन करेंगे पुराने थर्मल पेस्ट को। और मैंने ग्लव पहन लिए हैं, जिससे ग्रीस क्लीनर से कोई भी मेरे हाथों पर प्रॉब्लम ना हो। अब GPU और CPU दोनों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हीट सिंक को भी क्लीन करेंगे, जिससे पुराने थर्मल पेस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लीनर थोड़ा बच गया था तो मैंने सोचा बाकी चीज़ें भी क्लीन कर लेनी चाहिए। अब पूरा लैपटॉप क्लीन हो चुका है। अब थर्मल पेस्ट को लगाएंगे। मैंने अच्छे से और ज़्यादा थर्मल पेस्ट लगाया है, जिससे हीट सिंक लगाने पर अच्छी तरह से फैल जाए। अभी भी थोड़ा पेस्ट बचा है, जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे लैपटॉप को खोला था वैसे वैसे ही बंद करेंगे।
और एक बात का ध्यान रखेंगे, स्क्रू को ज़्यादा फोर्स से टाइट नहीं करना है, जितना होता है उतना ही करना है, क्योंकि एक तो लैपटॉप पुराना है और आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या पता स्क्रू की जगह ही टूट जाए, तो जितना होता है उतना ही टाइट करें। हीट सिंक और फैन को लगाएंगे। बैक कवर को लगाने से पहले फैन और स्पीकर की वायर को याद से वापस लगा देंगे। अब जिस साइड से पोर्ट ज़्यादा है उस साइड से बंद करना शुरू करेंगे, जिससे सारे पोर्ट्स अपनी जगह आ जाएं। और सारे पोर्ट्स अपनी जगह लग गए हैं, अब बैक कवर को हल्का सा दबा देंगे और बैक कवर लग जाएगा। अब सीडी ड्राइवर वाले भी स्क्रू लगाएंगे, फिर सीडी ड्राइवर को भी लगा देंगे। सारे स्क्रू लग चुके हैं, अब करते हैं लैपटॉप को स्टार्ट। उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और यूजफुल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। लैपटॉप हो गया स्टार्ट और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।